2014 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। भाजपा के नेताओं ने कहा था, हम हर गरीब को हिंदुस्तान के रहने वाले हर इंसान के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे, काला धन देंगे। भाजपा के लोगों ने कहा था, हमारी सरकार बनवा दो, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भाजपा के लोगों ने कहा था, हमारी सरकार बनवा दो, हम महंगाई खत्म कर देंगे। भाजपा के लोगों ने कहा था, हमारी सरकार बनवा दो, हम अयोध्या में राम मंदिर बना देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ मोहम्मदी के लोगों, आपसे कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं और इन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने केवल देश और प्रदेश की जनता के साथ फरेब किया है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। न किसी के खाते में 15 लाख रुपया आया है, न महंगाई कम हुई है, न टमाटर प्याज अरहर के दाल कम हुए हैं, न ईटा गिट्टी मोरा बालू सरिया का दाम कम हुआ है। इन्होंने देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, इस देश के नौजवानों से, बड़े बुजुर्गों किसानों से, हिंदू और मुसलमानों से, सिख और ईसाइयों से भाजपा के लोगों ने झूठ बोला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले 29 तारीख को फैसला कर देना और ये कह देना कि सितम करोगे सितम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज महंगाई बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, आने वाली 29 तारीख को इनको सबक सिखा देना और बता देना कि जो तुमने हमारे साथ किया है वही हम तुम्हारे साथ करके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं। मैं अयोध्या और फैजाबाद से आया हूँ, अयोध्या की धरती जहाँ पर इस देश की आजादी के लिए शहीद आजम अशफाक उल्ला खान ने फैजाबाद के मंडल कारागार में फांसी के फंदे को चूमा था और फांसी के फंदे को चूमते हुए अशफाक उल्ला खान ने कहा था कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाग से चल दिए। स्वेदम जिंदा ने फैजाबाद से और इस देश को आजाद कराया था। दूसरी तरफ ये आपकी धरती, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह की धरती है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ पर खड़े हुए लोगों, आपसे बताना चाहते हैं, अगर आपसे पांच भाजपा के लोग राष्ट्रभक्ति का झोला ओढ़कर निकलते हैं, जो उनके कमल के फूल को झंडे को नहीं लगाते उनको बताते हैं देशद्रोही हैं, और जो लोग कमल का झंडा लगा लेते हैं वो लोग राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। अरे मोहम्मदी के लोगों, हम तुमसे कहना चाहते हैं और तुम्हें बताना चाहते हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हम समाजवादियों के जो पूर्वज थे, उन्होंने इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा है। हमारे पूर्वजों ने सीने पर तोप की गोलियां खाई हैं, चाहे वीर अब्दुल हमीद रहे हो, चाहे अशफाक उल्ला खां रहे हो, चाहे भगत सिंह रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे राजगुरु रहे हो, इन लोगों ने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को भी चूमा है, गोलियां भी खाई है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जो आरएसएस के लोग हैं, अगर इनसे सवाल किया जाए कि तुम्हारा, तुम्हारे पूर्वजों का इस देश की आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है बता दो, तो मैं आज मोहम्मदी के लोगों, आपके सामने खुली चुनौती देकर ये कहना चाहता हूँ, ये एक भी शहीद का नाम नहीं बता सकते जो इनसे जुड़ा हो, क्योंकि इनके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करते थे। ये लोगों आपसे कहना चाहते हैं, ये हम बताना चाहते हैं, ये भाजपा के नेताओं के पूर्वज अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे ये उनकी मुखबरी करके पकड़वाने का काम करते थे। ये इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, ये अंतर है समाजवादी आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपके बीच में आए हैं और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, यह अयोध्या, अगर एक तरफ वहां लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में शीश पैगंबर भी है, दूसरी तरफ अयोध्या में मीर अनीस भी है और चक्रवर्ती भी है। यह अयोध्या फैजाबाद की धरती से आज मैं
मौलवी अहमदुल्ला शाह की धरती पर आपसे निवेदन करने आया हूँ। हमारे मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस मोहम्मदी की तस्वीर और तकदीर के लिए, यहाँ की तरक्की और उन्नति के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए आने वाली 29 तारीख को साइकिल पर मोहर लगाकर भाई कार्तिक तिवारी को जिता दीजिएगा, ये हम अपील करने आए हैं। आपके बीच में अभी आपके प्रत्याशी को बोलना है, हम ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आज लैपटॉप मिलना बंद हो गया है। कन्या विद्याधन जो हमारी गरीब परिवार की बेटियां पढ़कर टॉप करती थी, उनको कन्या विद्याधन मिलना बंद हो गया है। बेरोजगारी का भत्ता बंद हो गया है। हमारी बहनों को जो फीस माफ होती थी वो बंद हो गई है। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज इस उत्तर प्रदेश की तरक्की उन्नति के लिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव के कामों को याद कर रही है, और आपसे कहना चाहते हैं, पूर्व चेयरमैन जो 10 सालों से यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में किसी से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन ये गरीब परिवार का बेटा, अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे जो यहाँ 2 बार चेयरमैन रहे मोबिन साहब, मैं उनका भाषण सुन रहा था, बता रहे थे दारू पिला रहे हैं, मुर्गा खिला रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपके घर परिवार का बेटा कार्तिक तिवारी न ये मुर्गा खिला सकता है, न दारू पिला सकता है, केवल आपका पैर छूकर आपकी दुआएं और आशीर्वाद ले सकता है। और मैं यहाँ मोहम्मदी के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग एक एक आदमी कार्तिक तिवारी बन जाना, जितने हमारे नौजवान साथी हैं वो कार्तिक के बाजुओं की ताकत बन जाना, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कार्तिक तिवारी को अपनी दुआएं दे देना, और आपके बाजुओं की ताकत और आपकी दुआओं की बदौलत 29 तारीख को आपका भाई कार्तिक तिवारी हजारों हजारों ओट से जीत जाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी